हाँ बिल्कुल हर्ष हाँ, देखिए मैं ना आज निफ्टी के पर बताऊँ इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ हम नॉर्मली कभी भी फ्राइडे की शुरुआत करते हैं तो हम ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन हम वीकली ऑप्शन की बात करते हैं आज सुबह आकर जब मैंने ऑप्शन की शीट देखी खैर हैरानी नहीं होनी चाहिए इसमें लेकिन मंथली ऑप्शन डोमिनेट कर रहे हैं इस समय क्योंकि आई थिंक अब लोग थोड़ा इस पूरे मंथ का एक व्यू लेके चलना चाहते हैं और उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दो ऑप्शन लेकर आइए एक तो जून एंड का चौबीस हज़ार का कॉल ऑप्शन ठीक है ना ये देखिए जून एंड का चौबीस हज़ार का कॉल ऑप्शन है इसका प्रीमियम देखिए आप एक सौ पंद्रह रुपये ठीक है ना और एक आप लेकर आइए जून एंड का बीस हज़ार का पुट ऑप्शन बीस हज़ार का पुट मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट दस परसेंट नीचे और उसका प्रीमियम लेकर आइए आप देखिए तिरपन रुपये अभी भी ट्रेड कर रहा है वो तो मार्केट में इस लेवल का एक फियर है अब एक नॉर्मल लॉजिक क्या कहेगा नॉर्मल लॉजिक ये कहेगा कि अगर आप इन दोनों ऑप्शन को बेच दें फॉर एग्ज़ाम्पल तो ऑलमोस्ट एक सौ का प्रीमियम आपके घर पर आ रहा है क्या निफ्टी बीस के नीचे या चौबीस के ऊपर जा सकता है इलेक्शन के बाद इसीलिए लेकिन लोगों को फिर वो बार बार वो दो नौ भी याद आता है जैसे मार्केट ने सर्किट लगाया था तो इसके लिए ये ऑप्शंस इतने महंगे होते हैं और इसके लिए इन ऑप्शंस में टेम्पटेशन के बावजूद मैं कहूँगा कि प्लीज़ नेगेट सेल करने की गलती मत करिएगा ठीक है ना ये बस एक लिमिटेड पॉइंट था स्पेशली आज मत करिएगा एग्जिट uh, पोल से पहले अब आते हैं निफ्टी की स्ट्रैटी पर एक तो इवेंट है बड़ा और एक विक्स इतना महंगा है इसके लिए ऑप्शंस बहुत महंगे हैं तो आपको जो भी ट्रेड करनी है वो आपको उसी हिसाब से करनी है कि ऑप्शंस महंगे होंगे पहला सपोर्ट है आपका 22394 पर 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और बड़ा सपोर्ट है आपका बाईस पर जो कि आपका चार्ट के हिसाब से है रजिस्टेंस कहाँ मिलेगी पहले आपको ट्वेंटी टू फाइव सेवेंटी टू ट्वेंटी टू सिक्स हंड्रेड जो अर्स वेल्थ सपोर्ट था ट्वेंटी डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज शायद वहीं पर खुलने की तैयारी हो रही है और बड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी फिर आपको बाईस सात सौ से बाईस सात सौ पचास कल के हाई के आसपास इंट्रा डे ट्रेड करें तीन बजे तक बिल्कुल और उसके बाद अपनी पोजिशन स्क्वेयर ऑफ कर लें उसमें सेलिंग का जोन होगा पहला मेरा अप्रोच सेल का रहेगा क्योंकि निफ्टी वीक है बाईस साढ़े पाँच सौ तो से बाईस छः सौ का जोन ये सेलिंग जोन है और एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए बाईस छः सौ पचास का ये अगर ट्रेड चल गई तो अच्छा खासा मुनाफा देगी आपको हो सकता है एक बार के लिए हम बाईस चार सौ बाईस साढ़े तीन सौ भी तोड़ दें क्योंकि कल जिस तरीके की वीकनेस थी निफ्टी में मुझे लग रहा है कि एक सेलिंग का मूव आएगा बाइंग कहाँ पर होगी बाइंग का जोन होगा बाईस तीन सौ से बाईस तीन सौ पचास और एक स्टॉप लॉस होगा वहाँ पर बाईस दो सौ पचास का ये सारी स्ट्रिक्टली इंटरेडेड ट्रेड्स हैं आज जब हम कमाई का अड्डा करेंगे उसमें तीन बजे के करीब कोशिश करेंगे हमारे एक्सपर्ट से भी पूछेंगे और मैं भी कोशिश करूंगा कि अगर कुछ मिल सके तो एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी कल के लिए अगर बनाई जा सके तो उस पर बात करेंगे लेकिन आज जो भी ट्रेड करनी है इन लेवल्स के हिसाब से और इंटरडे करें सेल ऑन रैली बाय ऑन डिप्स शायद दोनों काम करेगा आज रैली और बाय ऑन डिप्स दोनों तरह के ट्रेड्स आपको आज मिलते हुए दिखाई देंगे तो थोड़ा सा आपको चौकन्ना रहना है बेसिकली जब आप स्क्रीन पर आएंगे अब अनुज अब निफ्टी बैंक कंसिडरिंग ये थोड़ी सी तेजी की कमान संभालने की कोशिश में है आज इसके लिए क्या लेवल्स खास रहने वाले हैं बिल्कुल देखिए दोनों इंडेक्सेस में निफ्टी बैंक स्ट्रॉगर है तो अगर आपका लॉन्ग का बायस है ना अजतः तो निफ्टी बैंक को अप्रोच करिए और यहाँ पर एक रेंज है 48,300 टू 49,000 बड़ी रेंज है ये 700 पॉइंट की बेसिकली कल इसके बीचों बीच बंद हुए हम इस रेंज के तो बाय जोन है 48,400 टू 48,550 और एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए इसमें 48,300 का सेल जोन है स्ट्रिक्टली इंटरडे 48,800 टू फोर्टी 48, और एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए फोर्टी नाइन थाउजेंड फिफ्टी का ये मेरे ख्याल से एक अप्रोच है जो शायद आज काम करे बैंक निफ्टी पर भी अगेन बोल रहा हूँ कि स्ट्रिक्टली इंटरनेट रेट्स लें मार्केट में और वो भी सिर्फ तीन बजे तक और तीन बजे के बाद हम देखेंगे कि कोई ऑप्शन स्ट्रैटी बनेगी वैसे बैंक निफ्टी बननी मुश्किल है वो स्ट्रैटी ज़्यादा निफ्टी पर ही बन पाएगी आ, या फिर आप कल सुबह आकर एक सॉरी कल नहीं मंडे मॉर्निंग मंडे मॉर्निंग आकर एक फ्रेश व्यूज लीजिए आफ्टर एग्जिट पोल्स